सबसे पहले यहाँ से लेते हैं ताजा ताजा दूध। ये देखो यार, अभी अभी गाय के नीचे से निकल रहा है, इसके लिए डाल रहे हो उस्मान भाई? वो यार जो हमारी बकरियां नहीं है उनके बच्चों के लिए, शायद उन्होंने ना दूर से देख लिया, वो भागते हुए आ रहे हैं, तो सुबान डाल दिया ना? हाँ जी। अब इनको पिलाते हैं, चल दिया। और ये तो पहले से काफी बड़ा हो गया वलीद भाई, तुझे नजर नहीं आ रहा? वो तो आ रहा है, लेकिन ये देखो मुंह में बता, इतना दूध पियेंगे तो बड़े तो होंगे, इतना खाते पीते हैं ना, मैं क्या बताऊं। और यार एक आपको खुशखबरी देनी है मैंने। कौन सी? यार जो हमारी परी है ना वो बच्चे देने वाली है। ना करो। हाँ उसको तो अभी देर थी, 2 महीने, इतनी जल्दी? यार मैंने चेक लगा लिया ना, वो पता लग गया मुझे। अरे चेक करें जल्दी। दोस्तों अपने सब एनिमल से मिलके ना बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और दूसरी गुड न्यूज भी आ गई है, परी के जल्दी जल्दी बच्चे आने वाले हैं। और इन जैसे ना हो, मैं तो कहता हूँ व्हाइट हो यार, इन जैसे तो हैं हमारे पास, छोटे छोटे से आएंगे जैसे जो हमारे पास पहले थे परी की तरह। हाँ उस तरह के है ना, जो व्हाइट व्हाइट होते हैं सींगों वाले, छोटी छोटी सींगों वाले, छोटे छोटे वही आएंगे इंशाल्लाह। चुन्नू ना मुझे छुप छुप के देख रहा है, वो देखो दरख्त के पीछे छुप के बैठा है। हाँ भाई चुन्नू, चुन्नू तेरे बहन भाई और आने वाले हैं तुझे पता है? और चुन्नू कितना बड़ा हो गया, इसकी तो दाढ़ी भी निकल आई है, देखो नीचे से दाढ़ी। देखो दोस्तों चुन्नू अभी तक दूध पीता है। ये यार ये ब्लैक वाले को देख, ऊपर चढ़ जाता है, टमी फुल करके फिर कह रहे हैं और दो मुझे। अब दोस्तों मैं ना परी को चेक करता हूँ, इसके बच्चे कितने दिन तक आएंगे। मामू अच्छे से चेक करते हैं, मामू नजर नहीं आ रहे। सुभान मामू कहाँ गए? पता नहीं सुबह से गायब है यार, पता नहीं किधर गए हुए हैं। चलो हम तो अब सब एनिमल से मिलते हैं, मामू को छोड़ दू, इसको चेक कर। अंदर धक 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 की आवाजें आ रही है, फिर मुझे लगता है पेट में कुछ गड़बड़ है। हाँ दो दो है वो भी। बस मैं तो कहता हूँ 3 हो जाए, कितना अच्छा होगा। हाँ फिर कितने प्यारे लगेंगे जब आएंगे, इनके साथ खेलेंगे। तो थोड़े दिन की बात है, आ जाएंगे शायद 10 से 15 दिन। अभी हम बिगजू चलते हैं, वहाँ और एनिमल से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे बिगजू का काम नहीं रुका। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम यहाँ इवियारी बना रहे हैं, और ये देखो यहाँ हमने ना पाइप से चारों तरफ कवर कर दिया। हमारे एनिमल्स ओपन घूमे, बड़े मजे से घूमे। दिलबर कैसे हो तुम? बड़े होते जा रहे हो, बड़े होते जा रहे हो। डोली भी वहाँ खड़ी है, ओपन है सब। वहीं से मैंने मिस्त्री भाई को कॉल की, इवियारी का काम नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने ईंटें भी ले ली वहाँ, सीमेंट वहाँ, पिलर खड़े कर रहे हैं, ये भी अब हमारी आंखों के सामने बनेगी। सुभान तुम क्या कर रहे हो यार? लैक्स। ओए रुक 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 रुक। दोस्तों कोको और बंटी मिलने आ गए मेरे से। बंटी कैसे हो तुम? तुम्हारी तो मुझे बड़ी याद आती है यार, बहुत ज्यादा उदास हो गई है। चलो इसको पहले डाइट डालते हैं। हाँ। तो हमने अपने हाथों से ये प्लांट्स लगाए थे। वाओ दोस्तों हमारे इस वाले प्लांट पे फल निकल रहा है। ये फल कौन सा है? किधर है? ओए नहीं तोड़ना। सुभान ये क्या कर रहा था तू? बदतमीज। भूख लगी हुई थी, खा रहा था। ये खाने की चीज अभी छोटे हैं बहुत ज्यादा, ये अभी इसको बड़ा तो होने दे। ये है मुझे नींबू है, नींबू। नींबू लेमन कहते हैं इसको। हाँ इसको बड़ा होने दे, फिर हम तोड़ेंगे फिर खाएंगे। हाँ और यहाँ अनार लग रहा है यार, दिल किधर? ओ तेरी यार क्या बात है, मेरी मेहनत रंग ला रही है भाई। लग रहे हैं अनार, मामू से बचा के रखना इसको, तुम्हारी मेहरबानी, नहीं तो उन्होंने। नहीं नहीं मामू अभी नहीं खाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे फिर खाएंगे। यहाँ मेरा भाई डाइट बना रहा है। ये किसकी? अलेक्सी की है। लेक्सी। जब हम यहाँ नहीं होते ना, मेरा भाई सौरों की केयर करता है, अच्छी बात है ना, मैं इसको बोलता हूँ, मेरा हर कहना मानता है, हर बात मानता है। नो कोको, नो नो मेरा पीछे। अरे ये लेक्सी किया, नहीं लेक्सी लेक्सी लेक्सी, शाबाश गुड। अब दोस्तों ये दोनों ना डर जाएंगे, लेक्सी के साथ नहीं खाएंगे, क्योंकि लेक्सी इनको बहुत गुस्सा करती है, नहीं खाने देती अपने साथ। तुम्हें अलहदा देते हैं, वेट। वलीद भाई मुझे भी वो मकाओ बेबी दो, मैं भी उसको डाइट करवाऊँ ना। हाँ यार मुझे दोस्तों याद आया, हम जो मकाओ लेकर आए थे वो तो मामू के पास आई थिंक। हमने बिगजू वाले अपने सब एनिमल से मिल लिया, अब बारी है उस मकाओ बेबी से मिलने की, जो कि हम लेके आए थे कराची से। कितना एक्साइटेड हूँ यार मैं उसे मिलने के लिए। जल्दी से जल्दी चलते हैं मामू के पास, देखते हैं मामू ने डाइट भी दिया है कि नहीं। दे दी होगी यार, उसकी केयर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था वलीद तू टेंशन ना ले, मकाओ बेबी मैं ही बड़ा करूंगा। यार ये क्या बात हुई, गिफ्ट मेरा और बड़ा वो करेंगे। सुभान बस ठीक है यार, वो भी अपने मेंबर ही हैं, दोस्त ही हैं, छोड़ छोड़। तो अभी दोस्तों गाड़ी शाड़ी हमने निकाल ली है, मामू को ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं उन्हें जब भी फोन करूँ वो बोलते हैं बस मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ, काफी देर हो गई है, उन्होंने यही बोल रखा है। तो और वेट नहीं होता भाई हमारे से। ओए सुभान, अब सुभान भाग गया, उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। दोस्तों मेरे भाई ने बताया सुभान ना बाहर है, वो आ गया। चलो चलो यार खोलो। तू इस दुकान पे क्या कर रहा था यार? प्यास लगी थी, बोतल पीने आया था।
यहाँ से तू पहले सिगरेट लेके गया, दोबारा तो वो काम नहीं कर। नहीं 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 वलीद भाई, जब से आपने मुझे पनिशमेंट दिया उसके बाद मैं सिगरेट को मुंह भी नहीं लगाता। चलो अंदर आओ, यहाँ से मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ, बैठो। चलो कौन करता, मैंने भी सोच लिया है, जो मकाओ का बीबी लेनी है कराची से, मैं जाके पेट मार्केट में बेच के मैं भी अपनी शादी करूंगा। अभी दोस्तों हम जा रहे थे मामू के पास, लेकिन अचानक ही हमें पता लगा कि मामू ने कल वाले व्लॉग के अंदर ना वो मकाओ बेबी बेच दी है। वही व्लॉग देख रहे थे, मैंने आपको कहा था ना दो मामू को, उन्होंने सेल कर दी है। मामू ने बहुत गंदी हरकत की है, तो ये देख। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप देख ही लगे साइड पे जाके आराम से देखते रहेगा। मिलेंगे अब तो ना, उसकी सारी शॉपिंग कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, आपको पता होना चाहिए वो मेरे से रास्ते में है, लेकिन आप दोस्तों ने वलीद को कुछ भी नहीं। ये देखो देख, सारों के कमेंट्स हैं, वलीद भाई आपका मकाओ बिक गया है, मैंने तो सुबह से वीडियो नहीं देखी, अब मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ सबके। दोस्तों मामू ने बहुत गलत किया, आपके कहने पे दिया था मकाओ बेबी, अब वही मेरे से चला गया, क्या करूंगा मैं। वो देख लुटिया डाल रहे पीछे देख, ये लोकेशन कौन सी है, ये फार्म वाली। हाँ जी, ये लोकेशन ना यहाँ से करीब है, सीधा इस फार्म पे ना चले। वो चीज ले ली थी उन्होंने यार, मकाओ अगर पड़ा होगा ना हम वापसी ले लेते हैं, उनको पैसे आप दोबारा दे दूंगा मैं। ठीक है यार, जल्दी जल्दी चलो। सबसे पहले दोस्तों हम इसी जगह पे जा रहे हैं जो ये फार्म की लोकेशन है, उसके बाद हम मामू को पकड़ेंगे, फिर मैं क्या करूं यार, मामू को इतनी दफा सजा दी है, मामू के साथ इतना मैंने किया है मैं क्या बताऊं, लेकिन वो सुधरते नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हैं। लड़की के लिए हमें छोड़ा उन्होंने, हमारे पेट्स बेचे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिल से लाया था कराची से, उसकी वजह से हमने चलान भी करवाए थे वलीद भाई, अब वही मकाओ बेबी भी चला गया है यार। मामू की शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं कर रहा, ये देखो ये दिल कर रहा है, तुम मिलो मामू मुझे। शादी के चक्रों में मकाओ बेबी बेच दिया, इतना अच्छा था। फाइनली यार हम फार्म पे पहुंच चुके हैं, सामने फार्म है, कल सुबह उतर शायद हमें मकाओ मिल जाए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मामू अंदर ही बैठा हो, भाग गए होंगे पैसे लेके, भाग गए मामू, रुकने वाले नहीं है। दोस्तों हम इतनी दिल से ले आए थे, हमने उसको बड़ा करना था, हर दफा हमारे साथ ऐसा होता है, बस छोड़ो। फार्म के बाहर ना कोई सब्सक्राइबर मिले, आप सब ठीक हो, तुम ठीक हो ना? थैंक यू। सुबह तू क्यों साइड लग रहा है यार, मकाओ बेबी यार। हाँ पहुंच गए फार्म में, जल्दी कर, दिखाओ ना किधर है, अंदर 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 जल्दी कर। ये खड़ा। ये मकाओ नहीं है भाई, ये तो कोई और पैरट्स हैं। यार देखो ना यहाँ से पूछो वो मकाओ बेबी किधर है। लेकिन मामू ना इसी लोकेशन पे मकाओ सेल कर गए, मैंने अभी अभी वीडियो में देखा। यहाँ ये आ गया, कैसे हो आप? हम मकाओ ढूंढने आए हैं, हमारे मामू आपको मकाओ बेच के गए थे। हाँ ये वो कल आए थे, हमें भेज दिए थे। वो मकाओ दो हमें, वो तो हमने सेल कर दिया। ये क्या बात हुई, कल वो बेच के गए, इतनी जल्दी आपने सेल कर दिया? वो तो कल ही चला गया था शाम को लाहौर। लाहौर यार वलीद भाई, मामू को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता वो किधर है। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया हूँ ये बात सुन के, वो मकाओ आगे सेल हो गया। मामू हमें कह रहे थे कि वलीद भाई को नहीं बताना वरना मेरी शामत आ जाएगी। सुभान क्या हो गया यार वलीद भाई, कराची से इतना दिल से लाया था मकाओ बेबी को, अब मैं इनके साथ खेलूँ, इतना वो प्यारा था, बड़ा बड़ा सा था। आपके पापा किधर है? मेरे पापा वो ये बैठे हैं, सुभान इनसे पूछते हैं। वो मकाओ बेबी तो ला दो हमें, जो मामू कल सेल कर गए थे आपको, वो रेड मकाओ, रेड कलर का मकाओ बेबी दे गए थे। वो तो चला गया, किधर चला गया है? कल सेल हो गया था। क्या हो रहा है? और सुबह ये क्या कर रहा है बताओ मुझे, मामू किधर है? सुभान मामू मुझे कहाँ पता, नहीं तो मैं उनसे ना पूछता। बस यार बच्चों की तरह, ओ शेर खा जा मुझे शेर खा जा, आगे खा जा, मैं इनसे तंग हो गया हूँ, अब जो भी चीज आती है मामू बेच देता है, मुझे नहीं पता लेके दो, मुझे नहीं पता। यार मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, तूने बहुत दिन से लिया था, लेकिन ऐसा तो ना करो। आपसे भी मैं नहीं बोलता, आपने कहा था मामू को दे दो, कुछ नहीं करते, वो खिला पिला। मेरे से गुस्सा हो रहा है यार, चलो थोड़ा सा पानी मुंह पे मार, चल मार तो पूरा मुझे डुबा दो, मैं मर जाता हूँ। तंग हो गया हूँ यार, यार जाओ यार वलीद भाई जाओ यार, मैं परेशान हुए बैठा हूँ मामू की वजह से, उसका नेम रखना था, उसको कराची से इतने प्यार से लाया था, उसका लकड़ी वाला बॉक्स वाला घर बना के उसको रखना था। ओ घास तो ना खा यार, सदमे में से पागल तो नहीं है? और एनिमल्स खाते हैं, बहुत खुश आए। मैं भी बहुत ज्यादा सैड, मैं भी यार शादर इसको यही बोल रहा हूँ, और एनिमल देखो कितना बड़ा लाइन बैठा है, ये टेम है ना? हाँ जी टेम है, इसको उसे खोल दो, वो आके मेरी गर्दन पकड़ ले, मैं मर जाऊँ। जाओ यार जो करना करो, मैं एनिमल्स देख के जाऊंगा। मैं यहाँ ना अब एनिमल्स देखता हूँ, काफी मजा आने वाला है। मामू और सुभान को छोड़ो, ये तो वैसे भी लड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं पूरी जिंदगी। ठीक है चीज है, वाइट हस्की भी है। वाओ मुझे तो ऊपर भी लाइंस नजर आ रहे हैं, नीचे भी लाइंस हैं, इस तरफ भी लाइन है, हर तरफ लाइन। अब
ज्यादा लाइन देखे नहीं, कुछ कमरों में है, कुछ सो रहे हैं ऊपर कोने में, बहुत सारे लाइन है। क्या हो गया भाई? आ जा। ओए सुभान, आ मुझे खा जा। ये तो पागल हो गया। मैं पागल हो गया। उठाओ शादर। नहीं मुझे उसे खाने दो। वो तुमने भी दिक्कत दे दी है। वो खा जाएगा यार, रियल में खा जाएगा। खाने दो ना। कोई बात नहीं, आने दो, मैं नहीं डरता उसे। अदनान भाई से बात करते हैं, शायद वो कोई हल निकाले। वही मकाओ वापसी मंगवा दे। आ जा। तो ये क्या सुभान, ओए पकड़ सुभान को, दोबारा लाइन के पास जा रहा है। भागा खा ले मुझे। यार सुभान ना कर यार, उसको मैं क्या करूँ ना, आप लेके नहीं देते मुझे। यार रियल में खा लेगा तुझे, रियल में हम क्या करेंगे भाई। मैं तंग हो गया हूँ। अदनान भाई सुभान बहुत ज्यादा सदमे में है, प्लीज आप वही मकाओ दोबारा मंगवा दें। देखो इसकी शक्ल। मैं शेर के पास चला जाऊंगा, मुझे बुला दो मकाओ बेबी। आप ऐसा करें, आप शेर को ले जाएं अपने साथ, ले जाएं, ठीक है? शेर का शौक करें, तोते तो मिल जाते हैं। हाँ ये भी अच्छी बात है ना, तोते मोते यार गरीब लोग रखते हैं। तू यूट्यूबर है तू? नहीं ना, वो प्यारी चीज थी ना यार, इतनी अच्छी चीज थी, वो खेलती कूदती। ये तो उल्टा खा पी के मुझे ही पकड़ लेगा। चलो यार मैंने नहीं लेके देना, जो मर्जी कर, वो कहते हैं ही नहीं लेके देना। जाओ यार, देखो यार नाराज हो गया। चलो आप कोशिश करो, शायद वो मिल जाए। पाम से दोस्तों अभी हम घर जा रहे हैं, रात हो चुकी है। अभी मैंने घर कॉल किया, शायद मामू आ गए हो। मामू अभी तक नहीं है, मामू को फिर हम कल ही ढूंढने जाएंगे। मैं कुछ सामान वगैरह उठा लेता हूँ ना, मामू मिलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। सुभान इतना गुस्सा ना कर यार, पहले मामू मिल जाए फिर हम डिसाइड करेंगे। उनसे पूछेंगे क्यों बेचा है, क्या मसला है। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही यार, कल तक का वेट करते हैं, शायद सुबह घर आ जाए या रात को आ जाए। मैं फिर आपको कल ही बताऊंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सैड है यार, जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।